कई बार हमें काइट ऐप के बिड सेक्शन पे, ऑक्शन टैब पे हमारे पोर्टफोलियो के शेयर्स दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर यह ऑक्शन है क्या? हाय, दिस इज सुमन दास। मेरे चैनल फिन नेविगेट में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो पे हम काइट ऐप के ऑक्शन फीचर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्शन का सिंपल मतलब होता है नीलामी। स्टॉक एक्सचेंज कई बार शेयर खरीदने वाले को शेयर डिलीवर नहीं कर पाती, क्योंकि शेयर बेचने वाले के तरफ से कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ इश्यू होता है। तब इस शेयर की कमी को पूरा करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ऑफर देती है कि अगर कोई चाहे तो इन शेयर्स को लास्ट ट्रेडेड प्राइस से ज्यादा दाम पे बेच सकता है। ये ऑफर उन इन्वेस्टर्स के लिए होता है जिनके पोर्टफोलियो पे पहले से ही ये स्टॉक्स मौजूद रहते हैं, और ये इन्वेस्टर के ऊपर होता है कि वो उन शेयर्स को बेचना चाहता है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर्स की कमी क्यों हो जाती है। जब किसी स्टॉक का सेलर किसी वजह से एक्सचेंज को शेयर डिलीवर नहीं कर पाता, उसे शॉर्ट डिलीवरी कहते हैं। ये ज्यादातर तब होता है जब इंट्राडे ट्रेडर अपना पोजीशन क्लोज नहीं कर पाता, क्योंकि स्टॉक का अपर सर्किट टच हुआ हो या फिर किसी और वजह से। ये शॉर्ट डिलीवरी बायर को काइट ऐप पे शो होता है और T+2 डे के अंदर ये डीमैट अकाउंट पे क्रेडिट हो जाता है। अब T+2 डे से पहले T+1 डे पे एक्सचेंज ऑक्शन ऑर्गेनाइज करती है, जिस पे इन्वेस्टर्स अपने शेयर बेच सकते हैं। ऑक्शन पे कुछ बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि ऑक्शन 2:30 PM के बाद स्टार्ट होता है और 30 मिनट्स के लिए होता है। इस पे उन स्टॉक्स को सिर्फ बेचा जा सकता है जो ऑलरेडी सेटल्ड है पोर्टफोलियो पे। T+1 शेयर्स को सेल नहीं किया जा सकता। ऑक्शन पे सिर्फ शेयर्स को बेचा जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। इस पे सेटलमेंट साइकिल T+1 डे होता है, इसलिए बेचे गए शेयर्स का 80% पैसा फंड पे शो करता है और बाकी का 20% पैसा अगले दिन तक विड्रॉल के लिए अवेलेबल हो जाता है। ऑक्शन पे जो प्राइस बैंड होता है वो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस का 20% अप होता है। इस पे सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स प्लेस किया जा सकता है और इस पे DP चार्जेस को छोड़ के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटता। अब इसके प्रोसेस पे आते हैं। पहले मैं अपने ज़ेरोधा अकाउंट प्रोफाइल पे लॉगिन करूंगी, उसके बाद बिड सेक्शन पे क्लिक करके ऑक्शन टैब पे क्लिक करूंगी। जैसा कि मैंने बताया, ऑक्शन 2:30 PM के बाद स्टार्ट होता है। यहाँ जो स्टॉक ऑक्शंस के लिए अवेलेबल है उसे सिलेक्ट करूंगी। यहाँ एग्जांपल के लिए मैं टाटा पावर को सिलेक्ट कर रही हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए है। यहाँ टाटा पावर का LTP दिखा रहा है 442.15। मैं इस पे क्लिक करूंगी, उसके बाद यहाँ नीचे ऑफर शो कर रहे हैं, उसके बाद मैं सेल एट ऑक्शन पे क्लिक करूंगी। यहाँ क्वांटिटी एंटर करके प्राइस पे मैं LTP से थोड़ा ज़्यादा प्राइस सेट कर सकती हूँ, फॉर एग्जांपल 515। उसके बाद मैं सेल पे क्लिक करूंगी। सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ नट सेक्शन पे ये मुझे यहाँ ये बता रहा है कि मैं टाटा पावर का ऑर्डर 533.60 रुपीज़ तक प्लेस कर सकती हूँ। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करने पर ऑर्डर सेंट हो जाएगा। मैं इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती हूँ। ऑर्डर सेक्शन पे ओपन ऑर्डर पे क्लिक करके कैंसिल पे क्लिक करने पर ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। ऑर्डर कैंसिल करने के बाद ही नया ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।